ये जो कारोबार है ना, ये एक मुसलमान के लिए तो खास तौर पे ये सुन्नत है। मुआशरे ने नौकर को ऊपर रख दिया है और मालिक को नीचे रख दिया है, और मुआशरा कहता है कि ये फलाना लट से बैंक मैनेजर है, ये फलाना फौजी अफसर है, ये फलाना फलाना ग्रेड है, तो उसको इतना मुकाम दे दिया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, जो मालिक है, वो नीचे चला गया। अगर आप एटीट्यूड है किसी काम करने के लिए एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट, बात यह है कि हर चीज की एक कीमत है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। वेलकम बैक टू आर प्लेटफॉर्म जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके करियर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको अपनी साइंटिफिक लर्निंग्स के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सोल्यूशन पेश कर सकें। और इस सिलसिले में हम आपको ना सिर्फ साइंटिफिक स्किल्स से इक्विप्ड कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग कि हम आपको उन प्लेटफॉर्म से आगाह कर सकें, उन लोगों से मिला सकें जिन्होंने अपने साइंटिफिक स्किल्स को बड़े बड़े मकासद के लिए यूज़ किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो यार ऑनर्ड कि उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला ताकि वो अपने उस विजन को और अपनी लाइफ जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, जो कि हम समझते हैं कि बीइंग अ साइंटिफिक स्टूडेंट आपको उससे ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए। वी आर हैविंग विद अस अ साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी साइंटिफिक लर्निंग्स को एक बड़े स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ऐसा यूनिट खड़ा किया जिन्होंने जिसने पाकिस्तान की शनाख्त बनाई। वी आर हैविंग विद अस इम्तियाज अली रास्तगार, ही इज़ द सीईओ ऑफ रास्तगार इंजीनियरिंग कंपनी। इसके अलावा ही इज़ वर्किंग ऑन अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये लर्निंग्स लेनी है और फिर आपने जॉब नहीं करनी, उनको आपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है जो कि आपके मकासद थे, हम उनके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि बंदे का माइंडसेट कैसे बनता है। बिल्कुल। और माइंडसेट में मैं समझता हूँ कि क्रेडिट आल्सो गोज़ टू माय फादर। उन्होंने घर में कुछ किताबें ऐसी थीं जो कि मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था, उन्हें भी था, वो हमारे घर में कुछ किताबें ऐसी थीं जो कि मैं जब पीछे देखता हूँ तो वो मैंने बचपन में पाँचवीं छठी सातवीं जमात में भी कहीं पढ़ी हुई थी। उनमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी, ये जो 1929-30-40 की जो एक डिप्रेशन थी, सारी दुनिया में एक रिसेशन आई थी तो, और हिंदुस्तान में भी बेरोज़गारी बहुत थी, तो एक हिंदू लाला की किताब थी लिखी हुई, उसका जो प्रीफेस था वो ये था, हिंदुस्तान के नौजवानों में बेरोज़गारी क्यों। सही। और उसमें उन्होंने बताया था कि आप अगर आप नौकरी तलाश करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर कोई धंधा कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे तो आपको उसमें जो है कुछ ना कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगी। तो फिर उस वक़्त के लोगों के मुताबिक उसने बताया वहाँ पे कि टाटा टाटा कैसे बना, बिरला बिरला कैसे बना, और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े वहाँ के लोग थे हिंदुस्तान के उस वक्त के, वो थे उनके मतलब उनकी लाइफ स्टोरीज उसने बताई। फिर उसने आगे कुछ एक फॉर्मूलों की किताब लिखी हुई थी कि आप पॉन्ड्स क्रीम अपनी बनानी शुरू करें तो उसको कैसे बनाएं, या कोई चेरी ब्लॉसम की बूट पॉलिश कैसे बनाएं। आजकल तो आईटी का ज़माना है, बिल्कुल, तो लेकिन उस वक्त का जो ज़माना था वो तो हार्ड मटेरियल आप देखते थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे माइंड में पीछे कहीं वो जरासीम था इस बात का भी, तो फिर मैंने, अल्लाह का फजल है कि मुझे बड़ी अच्छी एजुकेशन मिली, लेकिन जब मेरे बाकी साथी मुलाजमत तलाश करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो मैं उस वक्त लाहौर में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहा था, लेकिन एक तो वहाँ लाइब्रेरीज बड़ी अच्छी थी और वहाँ पर मैंने इंडस्ट्रियल बायोग्राफी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर काफ़ी पढ़ा, और साथ देखा कि लाहौर में ही इतनी एंटरप्रेन्योरशिप है, असली जो यूनिवर्सिटी है, असली जो बिज़नेस स्कूल है वो लाहौर के बिज़नेस स्कूल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है, वो लाहौर के गली कूचों में फल फूल रहा है, उसकी इंडस्ट्रीज में फल फूल रहा है। सो वो मैंने कुछ टाइम उस लगाया भी और देखा भी, और वो जो तहरीक चली मेरे दिमाग में, तो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे से एक छोटी सी कारोबार स्टार्ट किया, और अपने वाले साहब से थोड़े से चंद सौ रुपए मैंने बोरो किए थे और वो काम स्टार्ट किया, और क्योंकि हॉस्टल के कमरे का एड्रेस नहीं हो सकता तो फिर मैंने
एक जीपीओ लाहौर में एक पीओ बॉक्स ले लिया और उस पीओ बॉक्स के नाम पे फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की, एक लेटर हेड छापा और उसके ऊपर तो अंग्रेज़ी और लैंग्वेज स्किल्स मेरी अच्छी थी, टाइपराइटर मेरे पास एक पुराना सा था उसके ऊपर मैं अपने लेटर्स टाइप कर सकता था। तो इस वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर जब मैंने हेले कॉलेज से फारिग हुआ बीकॉम ऑनर्स से, तो फिर मैंने एक छोटा सा मेटल कास्टिंग का काम स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया तो आई लाइक दैट बिजनेस, पिघला हुआ लोहा होता था और हम उससे चीज़ें बनाते थे, लेकिन मैंने देखा कि मुझे उसकी स्किल सेट्स नहीं आती। तो वो हसबुन अल्लाह नेमल वकील, अल्लाह ताला सबब बना देता है कि उन्हीं दिनों में एक इश्तहार आया अखबार में पिटैक लाहौर का कि वो दे वर टीचिंग गिविंग ए डिप्लोमा इन फाउंड्री एंड मेटल कास्टिंग टेक्निक्स। तो मेरे वालिद साहब मरहूम ने वो देखा और मुझे कहा कि अगर तुम वाकई इस बिज़नेस में करना चाहते हो तो वाई डोंट यू गो एंड अटेंड दिस। तो वो बिज़नेस जो मेरा थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैंने उसको वाइंड अप किया और लाहौर गया। फिर मैंने वो एक डिप्लोमा किया इन मेटल कास्टिंग टेक्निक्स और उसके साथ वो एक इश्क हुआ मेटलर्जी मेटल कास्टिंग के साथ, जो कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहा। और मैंने सिस्टमेटिकली लोहा पिघलाना, उसकी फर्नेसेस का अटेंड करना, उसके पैटर्न बनाना, उसके जितना भी प्रोसेस था वो हाथ से करना सीखा। और इस तरीके से फिर मैंने एक छोटा सा फाउंड्री का एक एंटरप्राइज रस्तगार इंजीनियरिंग के नाम से वो स्टार्ट किया। और लेकिन क्योंकि मुझे खुद उसकी आइडिया था करने के बारे में, जो उसके प्रोसेसेस थे वो मुझे खुद पता थे, तो मैं चौक के मज़दूरों को लेके अपने उन प्रोसेसेस के साथ सिखाया। लेकिन साथ ये हुआ कि जो मेरी जो एजुकेशन थी दैट वाज नॉट एन इंजीनियरिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग जो थी वो मेरे दिमाग में थी और एजुकेशन मेरी जो थी वो बिजनेस की थी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती थी और अकाउंटिंग प्रोसेसेस और कमर्शियल लॉ का भी आइडिया था। तो उसका नतीजा ये था कि मैंने आई वॉज एबल टू ऑर्गेनाइज माई बिजनेस, आई वॉज एबल टू मेक ए स्मॉल बिजनेस प्लान फॉर माई सेल्फ। तो उसके वो दैट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी, क्योंकि अकेली टेक्नोलॉजी नहीं चलती। तो जो मेरा जो रियली जो रोमांस था वो मेटलर्जी के साथ था, लेकिन मेटलर्जी बजाते खुद पैसे नहीं बना के दे सकती जब तक कि आप उसको मार्केट में ले जाके किसी उसके साथ ना बेच सकें। सो ऑन वन साइड आई एम ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश फाउंड्री मैन सिंस 1970। तो उसके बाद मेरी बाकी जितनी ज़िंदगी गुजरी अगले 30-40 साल, उसमें जितनी भी लर्नेड बॉडीज थी दुनिया में जिनका मेटलर्जी या मेटल कास्टिंग या इंजीनियरिंग के साथ ताल्लुक था, तो आई वॉज ए मेंबर ऑफ दोज बॉडीज और वहाँ से मुझे मटेरियल आता था और आई यूज टू डाइजेस्ट इट। तो फिर हमने कुछ एलॉयज ऐसे बनाए जिसके साथ हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री थी उसको बेशुमार फ़ायदा हुआ। तो लेकिन साथ साथ हमने उन एलॉयज की ब्रांडिंग भी की, उसकी मार्केटिंग भी की और उसके साथ हमने मुनाफा भी कमाया। लेकिन वो उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए दरमियान में हमारे पास बेशुमार हर्डल थे। सबसे बड़ा हर्डल ये था कि देर वॉज नो कैपिटल और बैंक जो है वो भी आपको तब पैसे देता है अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हों। इफ़ यू आर विदाउट एनी फंड या आपके पास एसेट्स नहीं है तो बैंक भी लोन नहीं देता। तो वो सारे हर्डल भी बीच में थे, लेकिन वो 17-18 साल का जो पीरियड था उसके दौरान हमने अपनी मेटलर्जी मेटल कास्टिंग कस्टमर बेस और उसकी जो कंपनी की जो ब्रांडिंग थी, जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग थी, तो रेस्ट अलॉय के नाम से हमने ग्राइंडिंग बॉल्स बनानी शुरू की फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना कि सीमेंट इंडस्ट्री जब यूज़ कर रही थी, जो पहला मटेरियल यूज़ करते थे रशिया से मंगवाते थे फोर्ज स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स, तो वो 1100 ग्राम पर टन उसकी वेयर थी सीमेंट को ग्राइंड करने के लिए। मैंने जो प्रोडक्ट बना के सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की को दिया उसका वेयर फैक्टर सिर्फ 35 ग्राम था। सो यू कैन इमेजिन के फिर ऐसे ही जो डाउन टाइम था सीमेंट इंडस्ट्री का, तो कस्टमर बेनिफिटेड फ्रॉम माय प्रोडक्ट एंड दे
in turn they paid, gave me the money. और उसके साथ माशाल्लाह हमने बड़ा substantial मुनाफा भी कमाया और कंपनी की नेक्स्ट ग्रोथ की. सो ये छोटी सी है how I started this business. सही है. बेसिक चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो वही माइंड सेट है. इस माइंड सेट को लेना, आपने माइंड सेट लिया अपनी स्टडी से, सेल्फ स्टडी से, आपको घर से ये एनवायरनमेंट मिला. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर, कोई एक एलिमेंट नहीं है जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमारी यूथ इस कॉन्सेप्ट को ना तो अब्जॉर्ब कर सकती है ना ही वो इसके लिए कोशिश करती है. जिस जो सेल्फ लर्निंग्स हैं वो हम नहीं करते. हम इन ड्रॉबैक्स पे डिटेल से बात करेंगे, हमारी यूथ को कैसे इसको कवर अप करना चाहिए. आपसे मैं ये पूछूंगी, आपने इतना हार्ड टाइम देखा अपने स्टार्टअप में, आपने हर चीज़ को खुद सीखा, खुद अपने हाथ से इंस्टॉल किया, यू आर द वर्कर आल्सो एंड यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, सो कभी आपको ये फील हुआ कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता और मुझे इससे पीछे हट जाना चाहिए इन योर स्टार्टिंग टाइम्स? वो ऐसे है कि जब बंदा प्लान बी बनाता है ना, ये मेरी प्लान ए है, ये मेरी प्लान बी है, तो दैट मींस उसने प्लान ए को फेल करने के लिए बंदोबस्त पहले ही कर लिए. सही. सो फर्स्ट थिंग इज के किश्तियां जला के काम करने वाली बात है. तो जब बंदे के पास डिग्री होती है तो वो सोचता है कि मुझे तो नौकरी मिल सकती है. सबसे बड़ा हैंडीकैप जो है उसकी डिग्री है. तो वो क्योंकि हमेशा वो सोचता है अगर यार ये कारोबार फेल हो गया तो फिर मैं नौकरी कर लूंगा. तो सारा टाइम वो प्लान बी के ऊपर ही गौर करता रहता है कि मेरी अब मार्केट वैल्यू क्या है, ये क्या वैल्यू है. या फिर उसकी प्लान बी होती है कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए तो फिर मैं अमरीका चला जाऊँगा. सो ये जो है ना जिंदगी में जब बंदे ने किश्तियाँ नहीं जलाई होती या अपनी तवज्जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं की हुई होती तो वो फिर उसको फेल्योर आना ही होता है. तो ये देर आर नो टू वेज अबाउट इट. सो अगर किसी ने भी इस काम में पढ़ना है तो उसको चाहिए कि वो देखे कि यही काम करना है और वो काम करने से पहले वो देख ले देर आर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि किस काम में पढ़ना है. आपका सबसे पहले है आपका अपना एटीट्यूड क्या है. अगर आप एटीट्यूड है किसी काम करने के लिए एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट. बात यह है कि हर चीज की एक कीमत है. लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, है इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की. अच्छा कोशिश आदमी किसी और चीज में करे और उसका रिजल्ट कहीं और से तलाश करने की कोशिश करे, इट डजंट हैपन इन लाइफ. तो उसके लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड हो किसी चीज के ऊपर और उस फोकस को फिर यू मस्ट हैव, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ. अगर आपका ये बिलीव नहीं है तो फिर प्लीज डोंट एंटर इनटू बिजनेस, क्योंकि फिर नौकरी करना बेहतर. सही. आपकी जात की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा, ना सिर्फ अपनी साइंटिफिक लर्निंग्स के हवाले से, यही कैपेसिटी बिल्डिंग, माइंडसेट बिल्डिंग और इन सारी चीज़ों के हवाले से आपने हमेशा कोशिश की कि आप इसको डिलीवर करें, यूथ को डिलीवर करें, और इसकी वजह से आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी लिंकडअप रहे और अभी भी लिंकडअप हैं और अपनी सर्विसेज रिगार्डिंग डिलीवरिंग योर नॉलेज पेश कर रहे हैं. एक बेसिक चीज़ डेफिनेटली आप सिस्टम में थे, आपने सिस्टम में बहुत से गैप्स फाइंड आउट किए. आप अगर आज के बच्चे में हम ये पूछें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है और उसको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एक चीज़, तो वो कौन सी है? मेरा ख्याल है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो सोशल स्किल्स हैं. ठीक है. दे आर मिसिंग. ठीक है. लोग मुझे पूछते हैं कि जी हम बच्चे की तरबियत कैसे करें, तो मैं उनको कहता हूं कि आप बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखाएं. अच्छा. व्हाई फुटबॉल? क्योंकि इट्स अ टीम स्पोर्ट. जब वो टीम स्पोर्ट खेलेगा तो ही नोज हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू रिएक्ट टू पीपल. ही इज अ स्पोर्ट्समैन. जो स्पोर्ट्समैन होता है वो रोंदू नहीं होता. यू सी, वो जब हार जाए तब भी हंसता है, जब जीत जाए तब भी हंसता है. तो इसलिए वो जो सोशल स्किल्स हैं, मैं देखता हूँ कि लोग बड़े अच्छे जीपीए तो लेके निकलते हैं लेकिन उनको कॉमन कर्सी नहीं आती. और फ्रैंकली मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी आए कि वे अच्छे जीपीए स्कोर हैं लेकिन मुंह से बू आ रही है या दांत साफ नहीं किए हुए. तो देर आर सर्टन एटिकेट, सर्टन थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम उनको प्राइज नहीं कर रहा. बच्चों की तबीयत वैसी नहीं हो रही या उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो उनको सीखे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सोशल स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, यू शुड बी लर्न
लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग, ना कि फिर वो जीपीए के खोपे लगा के आप बैठे हुए और फिर कहेंगे जी मैंने बिजनेस करना है, बन दैट इज नॉट पॉसिबल. तो वेरी इंपॉर्टेंट, लुक अराउंड योर सेल्फ, लर्न टू डील, टॉक टू पीपल, फ्रेंडशिप. दूसरा तो सारा टाइम फेसबुक के ऊपर या दूसरी पे मैसेजेस करने के साथ, दैट इज नॉट रियली, दैट इज नॉट रियल लाइफ. ये जो आप एक टर्म यूज़ करते हैं ना जीपीए के खोपे, ये स्पेसिफिकली उन हमारे साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनके कह रहे हैं ये खोपे बहुत स्ट्रांग हैं, और यही वजह है कि हम इस कह रहे हैं कि इस कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा साइंस का स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल भी है, हमारा साइंस का स्टूडेंट ऐसा है जिसने मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, और उसको हार्ड वर्किंग की भी आदत है, उसको हार्ड टाइम में अच्छा परफॉर्म करने की भी आदत है, वो कोप अप कर सकता है डिफ़िकल्टीज़ को जो कि एक स्टार्टअप में आती हैं अगर वो अपना कुछ करना चाहे. लेकिन वो इस तरफ नहीं सोचता, वो ये सोच रहा है कि क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है और उसकी CGPA और GPA बहुत अच्छी है तो उसको तो बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है. आप साइंस के स्टूडेंट को स्पेसिफिकली क्या कहेंगे कि वो कैसे इन सोशल एथिक्स को सीखें, कैसे जो इमर्जिंग स्किल्स ऑफ द टाइम है उनके ऊपर भी टाइम दें, और सिर्फ अपनी जो बुकिश नॉलेज है उसके अलावा जो ज़रूरी स्किल्स हैं जो हर बच्चे को आने चाहिए, जो जिस तरह आज कल कोविड की वजह से आपको पता है टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों का यूज़ कितना हर बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो साइंस का स्टूडेंट स्पेसिफिकली अपनी इन इन खोपों से बाहर कैसे आए, उसके लिए सबसे मुश्किल इन खोपों से बाहर आना है. हाँ, वो इसलिए कि मुआशरे ने नौकर को ऊपर रख दिया है और मालिक को नीचे रख दिया है, और मुआशरा कहता है कि ये फलाना लेट से बैंक मैनेजर है, ये फलाना फौजी अफसर है, ये फलाना फलाना ग्रेड है, तो उसको इतना मुकाम दे दिया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, जो मालिक है, वो नीचे चला गया है और नौकर ऊपर आ गया है. तो इसको हम आजकल नौकरशाही कहते हैं. इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. लेकिन कमिंग बैक टू टेक्निकल या स्टूडेंट्स और साइंटिफिक स्टूडेंट्स, बात ऐसे है कि साइंस की वजह से ही पैसा है. आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो दैट इज एक्चुअली अप्लाइड साइंस और इट इज अप्लाइड फिजिक्स. कुछ किसी चीज़ को आप इस बॉल पेन के अंदर जो स्याही है वो अलग सब्जेक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली अलग सब्जेक्ट है, और इसके इसकी मार्केटिंग अलग सब्जेक्ट है. बट वेन यू पुट देम टूगेदर, अच्छा अब ये आप वो जीपीए के ग्रेड के साथ ये नहीं आनी बात, ये जीपीए से हटके आनी है. और देर इज ए लाइफ अदर देन जीपीए ग्रेड्स. अनफॉर्चुनेटली बच्चों को प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको जीपीए अच्छा मिलेगा फिर आपको नौकरी अच्छी मिल जाएगी. नौकरी इज नॉट द बेस्ट रूट फॉर यू. आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर आप अपने, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी. और जितने लोगों ने काम किया है, फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं जिन्होंने छोटी सी एक बारीक सा पीस लिया टेक्नोलॉजी का और उन्होंने ये किया. हम इंशाल्लाह किसी वक्त आपके साथ एक इस पे करेंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बंदा या तो ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री, या वो बंदा ही वॉज टीचिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसने कोई एक चीज़ पकड़ी और उसके ऊपर एक कंपनी भी साथ बना दी. वो कंपनी बना दी तो वो कंपनी जो है ना वर्ल्ड बीटिंग कंपनी बन गई. और इस वक्त पाकिस्तान में भी ऐसी स्टोरीज हैं. मार्केट में घूमें फिरें, देखें किस चीज़ की डिमांड है. अगर आप वो डिमांड पूरी कर देते हैं विद योर प्रोडक्ट और विद योर सर्विस, मार्केट विल रिवार्ड यू. तो फिर उस वक्त आपको, जिस वक्त वो रिवार्ड करेगी तो उस वक्त फिर आपको सिर्फ अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो आपके लिए काफ़ी नहीं है. यू वुड नीड टू नो हाउ टू मार्केट दैट प्रोडक्ट, हाउ टू फाइनेंस दैट प्रोडक्ट, हाउ टू मैनेज द लेबर विच जो आपने लोग हायर किए हैं, हाउ टू मैनेज योर टैक्सेशन. कितनी डिग्रियां करेंगे आप जिसके साथ, तो यू विल हैव टू लर्न सर्टन अदर स्किल्स एंड टू डील विद पीपल. तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि यू शुड बेसिकली कीप इट माइंड. तो और एंड देन ऑब्वियसली मेन बात ये है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी रेडी टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. नौकरी में वो जो होता है ना 9 to 5
वो तो बंदा कर लेता है, और उसमें कई दफ़ा कोई परफॉर्मेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, ख़ासतौर पर अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर सवे से ही परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर बट दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एंड इट हैज़ इट्स ओन रिवार्ड्स आल्सो। एग्जैक्टली आपकी लर्निंग्स डेली बेसिस पे हो रही थी, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं रियल वर्ल्ड। एक बच्चा, एक साइंस का स्टूडेंट, उसके माइंड में कोई आइडिया है और वो समझता है कि उसके लिए उसको इंडस्ट्री को भी अप्रोच करना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री इज़ द रियल लेबॉरेटरी जिसमें वो उन चीज़ों को सीख सकता है जिनसे वो पैसा भी कमा सके। तो इंडस्ट्रीज़ बच्चों ने शायद कभी अप्रोच नहीं किया क्योंकि इंस्टीट्यूट्स ने कभी उनको ये रास्ता नहीं दिखाया कि आप अपनी इंडस्ट्री को भी अप्रोच करें, अपना जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आने के लिए। तो आपने इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्रीज़ आपने माशाल्लाह एक वो उसको भी बिल्डअप किया, वहाँ पर भी आपने अपना नाम बनाया, आप इंस्टीट्यूट्स के साथ भी लिंक्ड हैं। आपको लगता है कि एक बच्चा आसानी से इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकता है फॉर इंटर्नशिप पर्पस, या कोई चीज़ वो सीखना चाहे फ्री में काम करके कुछ सीखना चाहे, तो ऐसे कोई रास्ते हैं हमारे जब हम इंडस्ट्रीज़ की ऑन लार्ज स्केल बात करते हैं? तो देखिए, बात ऐसे है कि जो कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो ऐसे हैं कि इस वक्त हमारे बचपन में तो ये चीज़ें थी नहीं। मेरे पास जब मैं इस काम में आया तो मेरे पास सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास था और कुछ टेक्स्ट बुक्स थी जिनके अंदर मैं वो ग्लास में कोशिश करता था देखने की ये मशीनरी कैसे बनी है। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी और गाइड करने वाले लोकल लोग भी नहीं थे, तो मेरा जो रूट था वो बड़ा सख्त किस्म का रूट था। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है उसके साथ तो नॉलेज इतनी पड़ी है, हर तरह की नॉलेज पड़ी है, इंटरनेट पे पड़ी है, विकिपीडिया में पड़ी है और यूडीमी में पड़ी है। अब जहाँ पे यू नेम इट, आप यू हैव 100 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है जी। अच्छा, तो इसलिए सबसे बड़ी नॉलेज जो है ना वो हो सकता है कि लोकल इंडस्ट्री से ज़्यादा ये कि आप अपना माइंड बनाएं। मैं जब ये प्रोसेस था और जो मैंने एलॉय अपने बचपन और जवानी में तैयार किया रेस्टलॉय, तो मेरे पास तो सिर्फ वो लर्नेड बॉडी थी, किताबें थी, मुख्तलिफ दुनिया से मैं मंगवाता था, उसको देखता था और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन मैंने उसका एक प्रोसेस लिखा, उसकी एक सोर्स बुक बनाई, उस प्रोसेस को समझा, देखा कि भाई इसके कंट्रोल्स क्या हैं, इसके प्रोसेस के पार्ट्स क्या हैं, इसकी मशीनरी कैसे होगी, वो सारी फिर हम तो इट टुक अस ए लॉन्ग टाइम टू डू इट। अब वो सारे प्रोसेस जो हैं वो यूट्यूब पे दूसरी जगह पे पड़े हैं। सबसे पहला तो काम है, आपने जो भी काम करना है आप उसके ऊपर देखें कि आपके जो आपको स्किल सेट्स क्या चाहिए, आपकी मार्केट क्या है, वो सारी चीज़ें ए लॉट ऑफ दैट इज ऑलरेडी लाइंग ऑन द नेट। तो पहले तो अपने आप को तैयार करें, आपके वो जो जो भी चीज़ आपने बनानी है उस वो या वैसी कोई चीज़ दुनिया में ऑलरेडी बन चुकी है। बिल्कुल, बहुत कम होता है कि आप कोई बिल्कुल ही नया आइडिया के मौजूद हैं, वो हमेशा वो चीज़ किसी ने बनाई हुई है। तो वो देखेंगे उसकी वेबसाइट्स कैसी हैं, उसके अंदर उनकी प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है, उसमें टेक्नोलॉजीज़ क्या है, हैं जी, तो उसके अंदर जो प्रोसेस है, प्रोसेस के कंट्रोल्स हैं, प्रोसेस की जो लेट्स से फाइन स्लाइसिंग है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इस वक्त इतनी आसानी से नेट पे पड़ी हैं कि उसके लिए आपको किसी इंडस्ट्री में अगर कोई भी ना जाने दें तो फिर भी आपके पास होगा। एंड देन यू कैन ऑलवेज गो इन एंड सी। और बहुत सी हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इट इज़ नॉट अप टू पार। तो मेन चीज़ जो देखने वाली है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वर्ल्ड मार्केट है। क्योंकि कई दफ़ा लोग पाकिस्तानियों में एक ख़ास किस्म का एक मर्ज है कि वो कहते हैं ये मैंने यहाँ बनाया और यहाँ बेचना है मैंने। तो लेकिन जो चाइनीज़ है वो बनाता तो चाइना में है लेकिन बेचता सारी दुनिया को है। और फिर और उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बहुत होती है, वॉल्यूम बहुत होती है तो उसकी प्राइसेस लो होती हैं, प्राइसेस लो होती हैं तो उसका कम्पीट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि दैट ऑल्सो पार्ट, अल्लाह ताला ने अकल दी है, अगर इतनी एक टेक्निकल एजुकेशन आपने हायर की है तो ऑलरेडी आपका माइंड कल्टीवेटेड है, लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम उसमें लगाएं उसके जो साइडों पे जो चीज़ें सीखने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह वी विल हैव अ सीरीज ऑफ सेशन विद यू ताकि हम आपके माइंड में जो जो बच्चा आपसे सीख सकता है और आपने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको डिलीवर कर सकें। कोई आखिरी मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें, आज की यूथ को देना चाहें रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर स्किल डेवलपमेंट? आखिरी बात ये है कि देखें, नंबर एक तो जो ये जो कारोबार है ना, ये एक मुसलमान के लिए तो ख़ास तौर पे ये सुन्नत है। सही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ताजर थे और किसी शहर की तजारत नहीं करते थे, मुल्कों की तजारत करते थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा वो भी ताजर थी, आपके सहाबा इकराम वो भी ताजर थे, है जी।
और जितनी आपकी डिप्लोमेसी थी, जितने आपके गजबात थे, उनका तजारत के साथ ताल्लुक था। तो एक तो ये एक सुन्नत है। नंबर दो ये है कि इसमें आपको एक फ्रीडम है और उस फ्रीडम को आप, कोई आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि आपने अपना पैसा कहाँ यूज़ करना है। मुलाजमत में जो पैसा होता है वो सरकारी या किसी कंपनी का पैसा होता है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी और की पॉलिसी पे करते हैं। हियर यू कैन क्रिएट योर ओन, अपनी दुनिया आप अपनी बना सकते हैं। और बात यह है कि फॉर एवरी थिंग यू हैव टू पे प्राइस and you have to be ready to work hard. और करें तो हसबुन अल्लाह नेमल वकील, अल्लाह करेगा कि आपके लिए कोई हलाल जो ज़राए आमदन अल्लाह ताला पैदा कर देगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर जी। आई होप सो कि आज के सेशन से आपने वो लर्निंग्स लेने की कोशिश की होंगी जो हमारा मकसद है कि हम आप लोगों तक डिलीवर कर सकें। हमारा काम सिर्फ इन रोल मॉडल्स को आपके सामने लेके आना और उनकी थिंकिंग, उनके माइंडसेट को आप लोगों तक डिलीवर करना है। अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकलिटी है, जो चीज़ आप लोगों ने अपने हाथ से करनी है वो आप करेंगे तो तभी फ्रूटफुल होगा, तभी आप अगले स्टेप में दाखिल हो सकेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर सेशन। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।